सो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एम। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो फाइनली जितने भी स्टूडेंट बीसीएससी पीसीबी सीबीए ग्रुप एग्रीकल्चर ग्रुप और क्या बोलते हैं इसमें मेडिकल में एडमिशन के लिए जो भी बीसीएससी का फॉर्म फिल किए थे उनका सीट मैट्रिक्स आ चुका है। सीट मैट्रिक्स कल आया लेकिन हम एक दिन बाद वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमें कल टाइम नहीं था इसलिए हम नहीं बना पाए, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं तो फिर दिक्कत होता है क्लास जाना फिर हॉस्पिटल यानी क्लिनिकल जाना, तो उसमें टाइम लगता है, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए हम बताते हैं कि आखिर किस कॉलेज में कितना सीट है, कितना गर्ल्स के लिए यानी कि कितना फीमेल के लिए है और कितना मेल के लिए रिजर्व कर दिया गया। इस वर्ष 15% फीमेल के लिए रिजर्व किया, तो हम इसमें टोटल जानकारी बताएंगे कि बीएससी नर्सिंग में कितना गर्ल्स करेगी और कितना बॉयज करेगा, हर एक कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है और सो तो आप लोग हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम डाउनलोड सेक्शन में, आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है सीट मैट्रिक्स दिया है, तो हम इसी को डाउनलोड देख सकते हैं। डाउनलोड सेक्शन में दिया है बीसीसी का, तो हम इसको डाउनलोड करते हैं और पूरा हम जानते हैं कि आखिर किस कॉलेज में कितना सीट है, पूरा हर एक हम बताएंगे आपको, ठीक। तो हम यहाँ पर इस पर टच करते हैं और इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक। डाउनलोड करने के बाद देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आया और आपका ये खुल जाएगा, ठीक है। अब पहले बात करते हैं हम एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए देख सकते हैं हमारे बिहार में मतलब पाँच कॉलेज है, ठीक है। पाँच कॉलेज हैं जो सबौर का है, सहरसा का है और क्या पे डुमराव का है बक्सर में और पूर्णिया का है और किशनगंज का है, ठीक है। पाँच कॉलेज जो है हमारा एग्रीकल्चर के लिए है आपको, ठीक। जिसमें से पीसीबी देख सकते हैं यहाँ पे पीसीबी और सीबीए ग्रुप का होता है, तो सीबीए ग्रुप सिर्फ सीबीए ग्रुप जो होते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए होते हैं और पीसीबी होते हैं जो मेडिकल में भी चल जाएंगे और सीबीए जो है सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो पीसीबी के लिए 50% सीट रहता है और सीबीए ग्रुप के लिए 50%, यानी कि टोटल सीट होता है मतलब 300 के अप्रोक्स में होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर टोटल सीट यहाँ पर देख सकते हैं 257 है, ठीक। 257 यहाँ पे देख सकते हैं सीट है टोटल, जिसमें से देखिए यहाँ पे 257 सीट है, ठीक। जिसमें से 135 सीट जो है एग्रीकल्चर के लिए जो होंगे सीबीए के लिए है और यहाँ पे देख सकते हैं 120 सीट जो है वो पीसीबी वाले ग्रुप है जो उनको अगर एग्रीकल्चर करना है उनके लिए है, तो ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बार चलते हैं जिसमें है नालंदा में है हॉर्टिकल्चर कोर्स, ये कोर्स जिसमें से 20 सीट है, ठीक। कॉलेज अब मुंगेर में एक नया कॉलेज खुला है फॉरेस्ट्री इन्वायरमेंट का, बहुत मस्त कोर्स है। अगर आपको क्या बोलते हैं हॉर्टिकल्चर नहीं लेना है तो ये कोर्स ज़रूर लीजिए, हॉर्टिकल्चर के बाद हॉर्टिकल्चर के पहले ये कोर्स दीजिएगा क्योंकि बहुत बेस्ट कोर्स है ये और बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत बढ़िया कॉलेज है, इसमें बहुत अच्छा से पढ़ाई होगा हमको पता है, ठीक। तो अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए जो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स होता है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का, उसमें मात्र 30 सीट है जो भी जो सीबीए के लिए, यहाँ पे देखिए आप सीबीए के लिए 50% और पीसीबी के लिए 50%, जिसमें से टोटल 15 सीट किसके लिए पीसीबी के लिए है और 15 सीट एग्रीकल्चर के लिए, ठीक। अब चलिए थोड़ा सा और ऊपर करते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए भी 50% सीट पीसीएम के लिए और 50% सीबीए एमबीए जो भी होता है उनके लिए है, ठीक। जिसमें से 4 सीट उनके लिए मतलब कॉलेज है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 सीट टोटल सीट यहाँ पे 15 दिखा रहा है, 15 सीट यहाँ पर और फिर टोटल 4 मतलब 19 सीट, ठीक। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट बैचलर ऑफ फिशरीज़ के लिए, तो फिशरीज़ के लिए 15 सीट यहाँ पे है जो कि सिर्फ पीसीबी करेगा, सिर्फ पीसीबी को फिशरीज़ में मिलेगा, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं बैचलर ऑफ फिशरीज़ जो सेल्फ फाइनेंस में है, यहाँ पे फिर सेल्फ फाइनेंस दिखा रहा है, तो जिसमें कि आपको अपने खुद के को पैसा देना पड़ेगा एडमिशन लेने के बाद, क्योंकि ये हो गया एक प्राइवेट की तरह, ठीक है। सेल्फ फाइनेंस जो है आप समझ लीजिए ये है एक प्राइवेट की तरह, ठीक। अब थोड़ा सा और आगे स्क्रॉल करते हैं,
अब है सबसे बेस्ट कोर्स MIT, सॉरी बी फार्मा, ठीक है बी फार्मा। तो जो भी बी फार्मा करना चाहते हैं बेस्ट ऑफ लक, आपको अच्छा है। तो चलिए ये है जो है आप PCMB से कर सकते हैं, ठीक है जो आपका अगर PCB है तो PCB से कर सकते हैं, अगर आपका PCMB है तो PCMB से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब कि टोटल 200 सीट है, जिसमें से दो कॉलेज है, एक MIT और एक GPA गुलजारबाग बी फार्मा के लिए, जिसमें से UR के लिए इतना सीट रखा गया है और UR के लिए इतना सीट, सो 27 सीट रखा गया, 27 और UR फीमेल के लिए 13 सीट इसमें रिजर्व किया गया, ठीक है 15% इस बार सीट रिजर्व गर्ल्स को दिया गया है, तो गर्ल्स के लिए यह बहुत बड़ी मौका है, ठीक। अब ये है BSc नर्सिंग सबसे बेस्ट कोर्स, बहुत सारे स्टूडेंट का चॉइस है कि हमको भैया BSc नर्सिंग करना है, तो कैसे करना है, तो आपका रैंक है तो आपके हिसाब से वही के उसी के हिसाब से मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं सीट के, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें BSc नर्सिंग में 5 कॉलेज है, ठीक BSc नर्सिंग में टोटल 5 कॉलेज है, ठीक BSc नर्सिंग जो है इसमें 5 कोर्स है, जिसमें से फर्स्ट आता है NMCH पटना, भीम्स पावापुरी, JLNMCH भागलपुर, DMCH दरभंगा और NMMCH जो गया जो ये हम लोग का कॉलेज है, ठीक। अब बात करते हैं इसमें से, देखिए टोटल 5 कॉलेज हैं, 5 कॉलेज में 60-60 सीट है, 5 कॉलेज हैं और 5 में 60 सीट है, तो जाहिर सी बात है कि 300 सीट आपका हो गया BSc नर्सिंग का, ठीक BSc नर्सिंग का 300 सीट है। तो आप देख सकते हैं UR के लिए मतलब 16-16 मतलब टोटल कॉलेज में 16-16 मतलब 16-16 सीट हैं UR के लिए, ठीक है जिसमें से I8 फीमेल के लिए रिजर्व है, ठीक और EWS में 4 सीट हैं जिसमें फीमेल के लिए 2 सीट रिजर्व है, ठीक सभी कॉलेज में, जिस SC के लिए यहाँ पे 7-6 करके सीट हैं और फीमेल के लिए 3-3 सीट सब के लिए रिजर्व है, फिर ST के लिए 0 है कहीं 1 है, तो आप इसको अच्छा से समझ लीजिए, यानी कि टोटल यहाँ पर आपका जो भी है 300 सीट है, ठीक। तो ये रहा आपका छोटा सा हमारा नोटिफिकेशन, तो इससे आपको सॉरी अभी नीचे भी कोर्स है, फिजियोथेरेपी वाला नहीं मिला, ये देखिए जो हमको BSc नर्सिंग के बाद अगर जिसको भी चॉइस फीलिंग में अगर दूसरा कोर्स डालना है तो सबसे बेस्ट है फिजियोथेरेपी डालिए, सबसे बेस्ट कोर्स, ठीक। ये मतलब टोटल 20 सीट होते हैं इसमें से दोनों कोर्स में, फिजियोथेरेपी और बैचलर BTHO होता है, तो दोनों में 40 कोर्स एक ही कॉलेज है, तो दोनों में 40 सीट है, 20-20 सीट, तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे PHI पटना जो होता है, पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट है पटना, जिसमें BMLT करना है, OT करना है, BRIT करना है, तो इसके लिए हम बताएंगे चॉइस फिलिंग के लिए बताएंगे कौन इसका प्रिफ्रेंस आप लोग कैसे दीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए BMLT OT के लिए जितना भी कोर्स है यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 20-20 सभी कॉलेज एक ही हैं, सब में 20-20 सीट हैं, जिसमें से UR के लिए 5 है, फीमेल UR के लिए 3 है, EWS के लिए 1 है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा जूम कर करके तो आपको इसे अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है। तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि BSc से रिगार्डिंग आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिए, आप पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम पर ज़रूर मैसेज कीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।